हाय हेलो नमस्कार, द गेम इज ऑन। जिस खबर को शायद एक साल हो गया, काफ़ी गरमाया हुआ था, सीईटी सेंट्रल कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो उस पर पूर्ण विराम लग चुका है, उस पर एक फुल स्टॉप लग चुका है। आज यूनियन कैबिनेट की मीटिंग थी जिसको चेयर किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं वो निकल के आ रही है। अभी सबसे बड़ा जो खबर निकल के आ रहा है वो ये है कि एक रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया जाएगा जिसका नाम होगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA। वो एजेंसी क्या करवाएगा, एक टेस्ट कंडक्ट करवाएगा, उस टेस्ट का नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कुछ सवाल अभी भी हैं जो शायद अधूरे हैं, उसका जवाब हमको भी नहीं पता है, और वो समय के हिसाब से जो है, समय जैसे आगे बढ़ेगा आप सभी को पता चल जाएगा। लेकिन जो खबर है NRA का, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का, उस खबर को आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में देख लिया होगा, आर्टिकल्स में पढ़ लिया होगा, आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो चुकी होगी, अभी खबर जो है वो फीका पड़ चुका होगा। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि खबर चाहे कुछ भी हो, खबर को सामने वाला किस तरीके से सुन रहा है और किस तरीके से समझ रहा है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और मैं इस वीडियो के ज़रिए आप सभी को बहुत क्लैरिटी के साथ एक आसान तरीके से, एक कहते हैं ना कि एक आपका प्यारा भाई आप सभी को समझाने का कोशिश करेगा, बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने भी उसके बारे में पढ़ा। देखिए दोस्तों, बात यह है, अब फिलहाल लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं ऑल ओवर इंडिया की बात करें जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाते हैं, चाहे वो SSC हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बैंकिंग हो। तो अब क्या माजरा है मैं आप सभी को समझा देता हूँ। मैं अगर एक बैंकिंग एस्पायरेंट हूँ तो मैं SSC के लिए भी अप्लाई करता हूँ, मैं रेलवे के लिए भी अप्लाई करता हूँ, तो मुझे अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता है, दैट मीन्स मुझे अलग अलग से पैसा जो है वो डालना पड़ता है। ऊपर से ये हेडेक कि मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर जाना पड़ेगा, यानी एक साल में लगभग ऑन एन एवरेज एक बंदा जो है 12 एग्जामिनेशन तो देता ही होगा, और उसका फीस जो होते हैं वो तो आप समझ ही सकते हैं। तो इस चीज़ को काफ़ी सरल बनाने के लिए, इस प्रोसीजर को काफ़ी सरल बनाने के लिए, चीज़ें जो है वो काफ़ी स्मूथली चले, आसान तरीके से चले, उसके लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो CET कंडक्ट करवाएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। नाम से ही पता चल जाता है कि कॉमन टेस्ट होगा, जो आप शायद बैंकिंग से एस्पायरेंट से हों, आप SSC वाले हों या रेलवे वाले हों, कुछ भी हो, आपका एक कॉमन एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम को आपको पार करना पड़ेगा, और उस एग्ज़ाम के तहत जितने भी आपके मार्क्स आते हैं वो मार्क्स, देखिए आप एक बार उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं और सोचते हैं कि चलिए ये मेरा बेस्ट स्कोर है, उसके बाद आपका कोई ताल्लुक नहीं रहता है NRA के साथ, उसके बाद नेक्स्ट जो ताल्लुक आपका रहता है वो रिक्रूटमेंट एजेंसी का रहता है। मान लो मैं SSC की तैयारी कर रहा हूँ, फिर अब SSC मुझे Level 2 और Level 3 का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगा। Level 1 कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, अगर आगे चल के अगर Level 2 परीक्षा है, Level 3 परीक्षा है, तो वो पार्टिकुलर एजेंसी मुझे कंडक्ट करवाएगा एग्ज़ाम। बात समझ में आ गई। अब सवाल आता है, खुदा ना खास्ता मेरा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पहला टेस्ट ख़राब हो गया, तो क्या हो सकता है? अभी अब आप क्या कर सकते हैं कि आपको एक चांस मिलता है, साल में आप 2 बार CET एग्जामिनेशन दे सकते हो। मान लो पहले एग्ज़ाम में आपने 70 स्कोर किया, सेकंड में आपने 80 स्कोर किया, जो आपका बेस्ट स्कोर है वही आपका काउंट हो जाएगा। सो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करें, गॉट इट? और जो है वो आप जो 3 साल तक ये वैलिड रहेगा, आपके जो भी मार्क्स रहेगी वो 3 साल तक वैलिड रहेगी, और वो 3 साल तक आप उसी मार्क्स, आपके बेस्ट मार्क्स को पकड़ के बाकी सारे रिक्रूटमेंट एजेंसीज को आप ये दिखा सकते हैं, और वो उसके हिसाब से आपको जो भी है आपका एग्जामिनेशन होगा। बात समझ में आई? अब
एक और बड़ी चीज़ जो निकल के आ रही है कि ये एग्ज़ाम जो है वो लगभग 1000 डिस्ट्रिक्ट्स में कंडक्ट करवाया जाएगा और 117 जो हमारे एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ तक पहुँचने का इनका प्रयास है, जो कि काफ़ी अच्छा चीज़ है। कहते हैं ना बोनांजा टू पुअर कैंडिडेट्स, वो इस पे एक अमल कर रहा है दोस्तों। तो ये काफ़ी सराहनीय चीज़ है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, रिक्रूटमेंट एजेंसी जो चीज़ है। लेकिन सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, एक एसएससी वाला, एक रेलवे वाला, एक बैंकिंग वाला, सब एक प्लेटफॉर्म में है, तो जो लेवल वन का परीक्षा होगा इसका सिलेबस क्या होगा? इसका जवाब अभी नहीं है, धीरे धीरे करके आपको जैसे ही समय जाता रहेगा, बीतता रहेगा, आपको पता चल जाएगा। और दूसरा बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये मार्क्स जो है, जो भी आप मार्क्स हासिल करोगे, आपका बेस्ट मार्क्स होगा, वो सिर्फ एसएससी, रेलवे, बैंक इनके लिए नहीं होगा। आने वाले फ्यूचर में ये भी प्रेडिक्शन है कि बाकी सारे स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो हैं इसको आधार बनाएंगे, और हो सकता है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं इसको भी आधार बनाएंगे, और हो सकता है कि ये प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में भी ये आपको ये फॉर्मूला जो है वो देखने को मिल सकता है। तो कुछ दिनों से एजुकेशन में जो है वो रिफॉर्म देखने को मिल रही है, जैसे कि मल्टीपल चॉइस आपका हो सकता है, आप कौन सा स्ट्रीम को ले सकते हैं पढ़ाई करने का, जो कि हमारे टाइम में नहीं था। अगर आपने साइंस लिया तो आप कॉमर्स के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन अब ये संभव है, जो कि बेस्ट चीज़ है। क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि मुझे मैथ्स करने के साथ साथ मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ना काफ़ी मतलब जो है अच्छा लगता था, मैं नहीं कर पाता था क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। लेकिन अब जो है वो आप जो है वो वेन डायग्राम अगर आप उसको देखोगे ना, तो वहाँ पे आपकी इंटरसेक्शन पॉइंट जो होती है वो आपकी पैशन वाली होगी। ये चीज़ है। तो शायद मैंने आप सभी को सरल भाषा में समझा दिया, ऑलरेडी आपने देख लिया होगा। ठीक है, आपने इस वीडियो को इतना टाइम दिया तो बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए, और लाइक और डिसलाइक का ऑप्शन रहता है, आप कुछ करके जाइएगा, ये मेरा प्रार्थना है आप सभी से। और एक और चीज़ मैं आप सभी को समझाना चाहता हूँ, जो एग्ज़ामिनेशन की नोटिफिकेशन आउट है, जिस एग्ज़ामिनेशन को ऑलरेडी आपने अप्लाई कर दिया है, उसका तो एग्ज़ामिनेशन होना ही है, उसका कोई ताल्लुक नहीं अभी NRA का। अपकमिंग जो एग्जामिनेशंस होंगे शायद आपको NRA के सिस्टम से ही आपको देखने को मिल सकता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो चीज़ है सिर्फ और सिर्फ ग्रुप बी सी नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए है, नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए है। बाय द वे, कोई भी बैंक PO गेजेटेड पोस्ट नहीं होता है, तो उनके लिए भी ये करना ही पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे। अगर आप IBPS RRB कैम्प में अभी तक एनरोल नहीं हुए हैं तो काइंडली जाके एनरोल हो जाइए, वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा स्पेशली प्रिपेयर्ड बाय मी, साथ साथ आपको टारगेट्स मिलेगा जो आपके वेबसाइट में अपलोडेड हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम IBPS RRB में आप सभी के लिए पढ़ा रहे हैं, स्पेशली मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप आइए, हम पर भरोसा कर सकते हैं। 150 रुपये का कैंप है, महज 150 रुपये का कैंप। और एक और चीज़, अगर आप टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, टेलीग्राम का नाम है स्टूडेंट फरमाइश यूट्यूब, आके आप ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी फ्री मटेरियल्स वहाँ पे उपलब्ध हैं। साथों साथ आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे 1200 लोग आपके प्यार से धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं इंस्टाग्राम पे भी, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट होने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू ऑल, अपना सेहत का